गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सबाना नासरीन। कैसे हो आप लोग? होप सो आप लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और हैंड वॉश कर रहे होंगे टाइम टाइम पे और घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे होंगे। तो जैसा कि सरकार ने कहा है घर से बाहर नहीं निकलने को, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग भी ना निकले, घर पर रहे, सेफ रहे, क्योंकि ज़िंदगी रही तो हमेशा बाहर निकलना ही है, वो तो कोई उसमें कोई बात ही नहीं है। तो प्लीज़ घर से बाहर ना निकले। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो कोई मेकअप का बेस पे नहीं है, मैं आज की वीडियो लेके आई हूँ एक कपल, डॉक्टर कपल के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। आपको पता है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है ये वीडियो, कि ये डॉक्टर है जिन्होंने मरीजों का इलाज किया, कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज किया, दोनों कपल थे, उसके बाद दोनों की डेथ हो गई। तो चले जानते हैं कि ये सच है कि नहीं है, ये भी जानना ज़रूरी है ना हमारे लिए। तो इसीलिए मैंने बहुत सारी जगह में देखी कि क्या ये सच है, क्योंकि WhatsApp में भी काफ़ी ज़्यादा इसको वायरल किया जा रहा था, WhatsApp की स्टेटस में देख रही थी, तो सोचा एक बार चेक कर लेती हूँ। आपको पता है यूट्यूबर होने के नाते सब चीज़ों की जाँच पड़ताल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चेक कर रही थी और कुछ दिन वीडियोज़ तो नहीं आ सकती शायद मेकअप की वीडियोस, क्योंकि घर पे अभी सब लोग घर पे हैं, तो घर पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है और जगह भी नहीं है कि मैं वीडियो बना पाऊँ। ये मैं आप देखो यहाँ पे आके वीडियो बना रही हूँ, मतलब बाहर नहीं हूँ, घर पे ही हूँ, बट थोड़ा सा स्पेस में आके वीडियो बना रही हूँ बस। तो चलो मैं आपको बताती हूँ। तो जिस जोड़े की बात की जा रही है वो ये जोड़ा है, आप देख सकते हो ये वाला, इसका फ़ोटो भी है और यहाँ पे क्या लिखा गया है, और ये जो तस्वीर है ये कहा गया ये जन संदेश टाइम्स कोई अखबार है शायद, उसमें छापा गया है। तो क्या लिखा गया है यहाँ, दुखद 134 जिंदगी बचाने के बाद कोरोना ने रोक दी सांसें, इसकी हेडलाइन ये है। तो पीड़ितों का इलाज में जुटे इटली के डॉक्टर दंपति की संक्रमण से मौत। यहाँ पे इनका दावा किया गया है कि ये डॉक्टर हैं, मतलब कपल्स हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज किया, उसके बाद इनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है, मतलब 134 लोगों का, मतलब 134 लोगों का इलाज किया इन्होंने, कोरोना वायरस से ग्रस्त लोगों का इलाज किया, उसके बाद 8वें दिन इनको पता चला कि इनको भी कोरोना वायरस है, तो इनकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे भी लिखा गया है, एक लड़की ने शायद फेसबुक पे पोस्ट किया है, तो ये देखिए ये पोस्ट किया हुआ है, यहाँ पे अखबार की फ़ोटो भी दी हुई है। तो पोस्ट में क्या लिखा हुआ है, इटली के यहाँ दोनों पति पत्नी डॉक्टर है और दोनों ने दिन रात लगाकर 134 मरीजों को बचाया, लेकिन जब 8वें दिन कोरोना वायरस से बीमार हो गए, जब लगा कि बच नहीं पाएंगे, दोनों हॉस्पिटल लॉन्च में खड़े होकर प्यार भरी नज़रों से एक दूसरे को देखा, आधे घंटे के अंदर मर गए, दोनों को मेरा सल्यूट, सत सत नमन। तो ये आप देख सकते हो ना, यहाँ पे न्यूज़पेपर भी है। तो इसकी सच्चाई मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, यानी कि दूसरा विश्व युद्ध, तो उस टाइम पे लौटे हुए सैनिक, जो कि लौटे हुए सिपाही थे, जो अपनी पत्नी को प्यार से चूम रहा था, मतलब जैसे कि होता है ना, बहुत दिनों बाद अगर कोई मिले या फिर कोई भी एक लव तो पता ही होगा सबको, तो बहुत दिन बाद अगर कोई मिलता है तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, तो उसी चीज़ को जाहिर कर रहा था वही। जब लोग और ये लोग, उनकी तस्वीर है ये, और ये लोग इस तस्वीर का इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया तो ये पता चला कि ये लोग जो लोग हैं सोशल मीडिया में डाल रहे हैं ये तस्वीरों का इस्तेमाल गलत हो रहा है, ये वायरल हो रही है बहुत ज़्यादा, पर ये हॉस्पिटल की फ़ोटोज़ बिल्कुल नहीं है, ये हॉस्पिटल की फ़ोटो नहीं है। तो चलो मैं आपको सच बताती हूँ कि ये कहाँ की तस्वीर है। तो ये बल्गेरिया की एयरपोर्ट की फ़ोटो है, जो कि ये फ़ोटो को जो बहुत ज़्यादा शेयर किया जा रहा है, ये बल्गेरिया की एयरपोर्ट की फ़ोटो है और ये सैनिक है और वो उनकी पत्नी,
जो भी हो। तो ये हॉस्पिटल की फ़ोटो नहीं है, क्योंकि आपको पता है अगर कोरोना वायरस से ग्रस्त होंगे तो कैसे पता चलेगा दूसरों को, और इनकी फ़ोटो कैसे लेंगे उस टाइम पे, इनको इलाज करने के लिए ले जाया जाएगा या फिर इनकी फ़ोटो ली जाएगी, ये मुझे समझ में नहीं आया कि जिन्होंने भी डाला वो क्या सोच के इस फ़ोटो को डाल रहे हैं जो भी हो। पर ये एयरपोर्ट की फ़ोटो है, ये 100% है। आप चाहो तो न्यूज़ चैनल पे जाके अगर इसको सर्च करोगे तो आप देख सकते हो, पूरी डिटेलिंग में देख सकते हो कि ये बस कपल्स है ये लोग, और वो भी जब डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दिया था आने जाने का। जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप देशों से आने वाली यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया था, ये तब की फ़ोटो है। और ये फ़ोटो को जिन्होंने क्लिक किया उनका नाम है अमेलिया मेनोनाती नेम है इनका। और यहाँ पे मैंने जब सर्च किया और यहाँ पे मैंने देखा कि ये पोस्ट 13 मार्च 2020 को किया गया है। तो आप ये देख सकते हो, ये जो ये तस्वीर को एपी न्यूज़ ने अपलोड किया था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये लोग मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आए थे। मैं स्क्रीन पे शो करूँगी आपको। तो ये 13 मार्च को अपलोड किया गया था, तो ये वर्ल्ड वॉर के बाद की तस्वीरें हैं। और इसको जिन्होंने क्लिक किया था उनका नाम है अमेलिया मेनोनाती, और उन्होंने ये फ़ोटो, उनका कहना है कि उन्होंने इस फ़ोटो को क्लिक किया था बल्गेरिया के एयरपोर्ट में, यानी कि बल्गेरिया के एयरपोर्ट में थर्सडे को 12 मार्च 2020 को इन्होंने क्लिक किया था इस फ़ोटो को। तो अगर तो ये फ़ोटो एयरपोर्ट की है, डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल की बिल्कुल भी नहीं है ये फ़ोटो। तो ये बिल्कुल भी झूठ है, बहुत झूठ है। यहाँ पे सच लिखा गया है, मैं आपको शेयर कर दूँगी। और जो जिन्होंने फ़ोटो क्लिक किया था उन्होंने भी फ़ोटो डाला हुआ है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, यही है, मैं स्क्रीन पे शो कर दूँगी। तो इसकी सच्चाई यही है। तो प्लीज़ अफवाह ना फैलाइए, अफवाह को हवा मत दीजिए, ये गलत है। तो इसको अब यहीं रोक दीजिए और सच्चाई लोगों तक पहुँचाइए। तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखिए, हैंड वॉश कीजिए अच्छे से, और क्लीन रहिए, नीट एंड क्लीन, और अपने घर पे रहिए। लोगों से मिलना थोड़ा बंद कीजिए फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए, जब तक कि ये बीमारी ख़त्म नहीं हो जाती। तो अब मुझे आप लोगों को बाय बोलना चाहिए, मुझे जाना है नमाज़ पढ़ने के लिए, नमाज़ का टाइम हो गया है। तो चलो, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखना। और अब दुआ है मेरी कि आप लोग भी अच्छे से रहो, पूरी दुनिया में जो ये बहुत बड़ी परेशानी आई है ना, ये भी ख़त्म हो जाए, और हैंड वॉश करते रहना टाइम टाइम पे। तो चलो, बाय बाय, नमाज़ पढ़ना है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, और ये झूठ जो है ना इसको फैलने से रोकिए, और ये सच्चाई को आगे बढ़ाइए। चलिए, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप लोगों के साथ।